एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं। पहले ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में विटामिन डी ज़रूरी क्यों है। देखिए, वैसे तो विटामिन डी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं और बच्चे के विकास के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को अधिक बढ़ाए रखने के लिए शरीर को विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी पोषक तत्व जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसकी हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करते हैं। इसके अलावा विटामिन डी स्किन और आँखों के लिए भी ज़रूरी होता है। विटामिन डी बच्चों की हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है। प्रेगनेंसी में विटामिन डी की कमी भ्रूण के असामान्य विकास यानी एबनॉर्मल डेवलपमेंट का कारण बन सकती है। साथ ही यह फ्रैक्चर के डर को भी, जोखिम को भी बढ़ा सकती है। प्रेगनेंसी में महिलाओं को कितने विटामिन डी की जरूरत होती है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को 1000 से 2000 IU विटामिन डी की जरूरत होती है। इसके लिए महिलाएं अपनी डाइट में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकती हैं। विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, विटामिन डी की कमी वाली महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपको प्रेगनेंसी में समय समय पर अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाते रहना चाहिए। इससे अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ेगा भी तो उसे समय पर कंट्रोल किया जा सकता है। समय से पहले जन्म का जोखिम इसमें विटामिन डी की कमी में बढ़ जाता है। साथ ही इस स्थिति में बच्चा कम वजन का भी पैदा हो सकता है। ऐसे में बच्चे को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। जिन महिलाओं के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी की कमी होती है उन्हें मांसपेशियों के दर्द से अधिक परेशान होना पड़ता है। विटामिन डी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है और दर्द से राहत दिलाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में हड्डियों और जोड़ों में इसकी कमी से दर्द रह सकता है। कमजोरी और थकान रह सकती है। प्रेगनेंसी में यूं ही कमजोरी और थकान होती है, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो ये और ज्यादा बढ़ सकती है। फैटी फिश, अंडे, इनमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दही, दूध, अनाज में भी विटामिन डी होता है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में आपके शरीर में विटामिन डी की अधिक कमी हो गई हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के आप विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।